हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अच्छे टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये चार काम करने के बाद ज़रूर करें स्नान, नहीं तो जीवन पर पड़ेगा बुरा प्रभाव। कौन से वो चार काम हैं जिनको करने के बाद में स्नान करना ज़रूरी है, यानी कि नहाना ज़रूरी है। आचार्य चाणक्य के बारे में आप सभी जानते हैं, उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है, तो मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुने ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। नंबर एक, तेल मालिश करने के बाद। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपने शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद में स्नान करना जरूरी है, क्योंकि शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद रक्त संचार तेज हो जाता है और रोम छिद्रों से पसीना निकलने लगता है। इसीलिए तेल की मालिश करने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। नंबर दो, श्मशान से आने के बाद। धर्मशास्त्र में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी भी शव यात्रा या श्मशान से लौटने के बाद व्यक्ति को सबसे पहले स्नान करना चाहिए, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके आसपास कई प्रकार के कीटाणु होते हैं, जो हवा के माध्यम से आपके शरीर और आपके कपड़ों पर चिपक जाते हैं। इसीलिए शव यात्रा या श्मशान से आने के बाद में स्नान जरूर करना चाहिए। नंबर तीन है, शारीरिक संबंध बनाने के बाद। महिला हो या पुरुष, दोनों को ही शारीरिक संबंध बनाने के बाद में स्नान जरूर करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी प्रेम प्रसंग हो उसके बाद में स्नान करना जरूरी है। चाणक्य ने कहा, स्वच्छ शरीर निरोग काया देता है, और निरोग काया के लिए स्नान करना जरूरी है। प्रेम प्रसंग के बाद शरीर अशुद्ध हो जाता है, इसीलिए स्नान करके उसे शुद्ध करना जरूरी होता है। और नंबर चार है, बाल कटवाने के बाद। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बाल कटवाने के लिए जाता है तो बाल कटवाने के बाद में उसे नहाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाल शरीर पर चिपक जाते हैं, और ये महीन छोटे छोटे जो बाल होते हैं, ये यदि अगर आपके शरीर पर चिपके रहेंगे तो ये आपके पेट में जा सकते हैं खाने पीने की चीज़ों के माध्यम से। इसकी वजह से आपको शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है और इससे संक्रमण भी हो सकता है, इसीलिए नहाना जरूरी है। तो चाणक्य ने ये चार काम बताए हैं। पहला काम, तेल की मालिश करने के बाद नहाना जरूरी है। दूसरा, श्मशान से आने के बाद में। और तीसरा, शारीरिक संबंध बनाने के बाद। और चौथा, बाल कटवाने के बाद में। तो आप भी इन चारों बातों का ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।